हेलो दोस्तों, आप ये जो सेंसर देख रहे हैं इसे अल्ट्रासोनिक सेंसर कहते हैं। इसमें दो बैंड होते हैं जो आपके लिए स्पीकर की तरह दिख रहे होंगे। ये जो सेंसर है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पर वर्क करता है। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है, और एक रिसीवर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर आने वाली अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिसीव करता है। इसमें आपके लिए 4 पिन देखने को मिलती हैं। VCC ट्रिगर पिन है, इको एंड ग्राउंड। VCC 5 वोल्ट के लिए है, और ट्रिगर पिन सिग्नल ट्रांसमीटर के लिए होती है, और इको पिन सिग्नल रिसीविंग के लिए होती है, और ग्राउंड पिन 0 वोल्ट के लिए है। तो आज इस वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करके ऑटोमेटिक पार्किंग बैरियर कंट्रोलिंग का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए एक माइक्रो सर्वो मोटर चाहिए और एक आर्डिनो UNO का बोर्ड चाहिए और कनेक्टिंग वायर चाहिए। इस प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम और प्रोग्रामिंग कोड आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये जो माइक्रो सर्वो मोटर देख रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए 3 वायर देखने को मिलते हैं, ब्राउन, रेड, येलो। ब्राउन वायर है वो 0 वोल्ट के लिए, रेड वायर 5 वोल्ट सप्लाई के लिए, और येलो वायर सिग्नल वायर बोलते हैं इसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर से 4 वायर कनेक्ट कर दिए गए हैं। आर्डिनो बोर्ड में जो प्रोग्राम अपलोड किया गया है उसके अकॉर्डिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर की ट्रिग पिन के लिए 5 नंबर पिन से और इको पिन के लिए 6 नंबर पिन से कनेक्ट करना, और सर्वो मोटर के सिग्नल वायर के लिए आर्डिनो बोर्ड की 9 नंबर पिन से कनेक्ट कर देना है। और इसी तरह अल्ट्रासोनिक सेंसर की VCC पिन के लिए आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है, और ग्राउंड के लिए ग्राउंड से, और इसी तरह सर्वो मोटर की भी ग्राउंड पिन के लिए ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है, और 5 वोल्ट वाली पिन के लिए 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है। सर्किट कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट मॉडल डिज़ाइन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस तरीके से एक मॉडल डिज़ाइन किया है,